दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 25x28 हाउस प्लान की। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है और वो हमें लगातार कमेंट कर रहे थे, सर 25x28 का हाउस प्लान चाहिए, इसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर इंक्लूड हो। तो उन्हीं के कहने पर लो बजट हाउस प्लान मैंने क्रिएट किया है और ये दोस्तों 3 साइड क्लोज्ड है और फ्रंट से ही ओपन है, जहाँ से मैंने जो मेन डोर दिया है इसका एक बेहतरीन सा लुक, यूनिक लुक आपको देखने को मिलेगा। तो इसी का ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। और मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर दोस्तों आपने स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ सब बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप देख सकें। दोस्तों मैंने एक पेड सर्विस भी स्टार्ट की है, इस पेड सर्विस के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कांटेक्ट करें और वहां से हमसे बात करके आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग मैं हाउस प्लान क्रिएट करूँगा। लेकिन वहाँ पर आपको पेमेंट 50% एडवांस देना होता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलो इस मॉडल को जो भी है उसे आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे जूम करके आपको दिखाते हैं, इससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिले और जो भी इसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में चीज़ें क्रिएट की हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है और फ्रंट से आपका रोड है और ये आपका स्टेयर्स है जिसके माध्यम से मेन डोर में आप एंट्री करते हैं। मेन डोर के अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से मैंने वी शेप में कुछ डिज़ाइनिंग क्रिएट की है और ये मेन डोर है जिसे ओपन करके आप अंदर जाएंगे। ऊपर आपका जाल लगा हुआ है और ये एक अगर हम बात करें विंडो है जहाँ से वेंटिलेशन का प्रॉपर आपका अंदर वाले रूम में हवा वगैरह जाती रहेगी। और ये आपका जो फ्रंट की अगर हम बात करें तो डिजाइनिंग के पर्पज़ से एक बीम टाइप का क्रिएट किया है। अब हम बात करते हैं, जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक लिविंग एरिया मिल जाता है, इसी में पार्किंग एरिया भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेयर्स मैंने दी है जिसके माध्यम से आप ऊपर जा पाएंगे और यहाँ से आपके अगर हम फ्रंट वाले बेडरूम की बात करें, जो फ्रंट में बेडरूम था इस बेडरूम में आप एंट्री कर पाएंगे। मैंने एक डोर दिया है, एक अंदर से विंडो है और एक बाहर से विंडो है, इससे प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। अब हम बात करते हैं अंदर की, तो आप हालांकि मैं यहाँ पर डोर लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर डोर नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर एक डोर है जिससे आप एंट्री करके अंदर जाएंगे। जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको साइड में सबसे पहले आपका किचन मिलता है, ये जिसके लिए मैंने एक विंडो दिया बाहर से, इसमें आप वेंटिलेशन वगैरह जो भी किचन का आपका गैस वगैरह होता है वो पास होता रहे। उसके जस्ट पीछे लेट एंड बाथ का माइंड है और ये कॉर्नर पर एक बेडरूम और ये आपका एज ए स्टोर रूम या पूजा घर आप जो भी बनाना चाहे उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो 25x28 में यहाँ पर आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं कॉर्नर पर और एक लेट एंड बाथ कॉर्नर पर, किचन और स्टोर रूम और साथ साथ स्टेयर, इसी जगह आप पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं मैंने, आप इसे अभी रिमूव कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो सारी चीज़ें वही मिलती हैं आपको, देखिए वही दोनों बेडरूम, वही लेट एंड बाथ, किचन और स्टोर रूम। फ्रंट की अगर रेलिंग की बात करें तो ये थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैंने चेंज कर दी, इसमें आपको 3 पिलर दिए हैं और ये आपका जो गांव में आपने देखा होगा खपराइल टाइप का स्लोप बोलते हैं इसको, वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है और ये 2.5 फीट का ये बालकनी क्रिएट किया है जो कि मैंने यहाँ पर रेलिंग क्रिएट की है जो कि स्टील रेलिंग है, हालांकि कलर यहाँ पर मैंने इसका ब्लू रखा है। तो ये इसके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर हो गया। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये दोस्तों इसका लास्ट फ्लोर है, यहाँ पर रेलिंग मैंने फिर से चेंज कर दी है जो कि आपका एक रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टाइप का रेलिंग मैंने क्रिएट किया है। ये आपको स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी क्रिएट की है जिसके माध्यम से आप ऊपर आ पाएंगे और चारों तरफ 3 फिट का बाउंड्री है। तो यही पूरा प्लान 25x28 में मैंने क्रिएट किया। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस मॉडल की कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है या प्ले स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, स्मॉल हाउस प्लान है, उस पर आप जाकर उसे डाउनलोड करें, उसमें मटेरियल साथ साथ कॉस्ट भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। तो इस मॉडल में अगर आपको कोई भी चेंजमेंट करवाना है या आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें।